आज हम आपको ले आए हैं पर्दे के पीछे यानी कि सृष्टि रोड के मेकअप रूम में, जहां वो सृष्टि से पिया में ट्रांसफॉर्म होती है। चलिए आपको दिखाते हैं इनका ये मेकओवर। लेकिन सृष्टि का मेकअप कोई मेकअप दादा नहीं, बल्कि वो खुद करेंगी, वो भी अपनी उंगलियों से। वेलकम टू द सेट्स ऑफ चलती का नाम गाड़ी, और आज आप देखेंगे सृष्टि को पिया बनते हुए। मैं अपना मेकओवर करने वाली हूँ अपने खुद के हाथों से। यस, यू आर राइट, मैं अपने हाथों से अपना मेकअप करने वाली हूँ। लोग ब्रशेस यूज़ करते हैं, स्पंज यूज़ करते हैं, पर मैं सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करूँगी अपना पूरा फेस का मेकअप करने में। एंड ऑफकोर्स वो जो थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसमें ब्रशेस का ही इस्तेमाल होता है और आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तब मैं अपने ब्रशेस का इस्तेमाल करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बेस से और फिर आप देखेंगे सृष्टि को पिया बनते हुए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वैसे कहाँ से सीखा है ये मेकअप करने का अनोखा तरीका? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो फिंगर्स होती है वो बेस्ट ब्रश होती है, हमारे फिंगर्स में जो सॉफ्टनेस होती है उससे बेटर मेकअप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फील देती हैं हमारे फेस पे, एंड आई थिंक इनसे सबसे अच्छा ज़्यादा मेकअप होता है। तो इसीलिए आप देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा, बहुत अच्छा मेकअप होता है फिंगर्स से, इसलिए मैं खुद अपने फिंगर्स से मेकअप कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट ही था, धीरे धीरे परफेक्शन आते गया और मैं परफेक्शनिस्ट बन गई फिंगर्स से मेकअप करने में। तो एक्चुअली मैंने शुरू किया था पुनर्विवाह के सेट पर, और उसके बाद फिर मैं यही करती आ रही हूँ। इनफैक्ट ये तो आज मैं क्रीम मेकअप कर रही हूँ, मैं जनरली लिक्विड मेकअप करती हूँ, पर यहाँ पर आई थिंक क्रीम मेकअप ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए क्रीम मेकअप। तो अभी सबसे पहले मैं पूरे फेस पे ये क्रीम के वो लगा देती हूँ और बाद में मैं मिक्सिंग करा देती हूँ। अभी मैं ब्लेंड नहीं करती इसको, अभी मैं सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप करते करते गाना सुनने से काफ़ी जोश आता है, तो आई थिंक मज़ा आता है और मेकअप करने में। ओके, तो अब मैंने अपने पूरे फेस पे मेकअप अप्लाई कर लिया, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। सबको जो लगता है कि मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है, एक्चुअली बहुत लगता था पहले, जब इनिशियली मैं स्टार्टिंग में नई नई आई थी इंडस्ट्री में, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ मेकअप में इतना टाइम लगता है, बट आई थिंक जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा है उतना ही कम टाइम लगता है मेकअप में, बिकॉज आप इतने यूज टू हो जाते हो, आपको पता होता है आपके फेस पे क्या कितना रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है, तो आप बहुत फटाफट कर देते हो। इसलिए मुझे भी देखो, आपने मैंने फटाफट ही किया, मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। अब मेरा बेस हो चुका है, अब मैं अपना आई मेकअप करने वाली हूँ, वो भी मैं हाथों से ही करने वाली हूँ। तो बेस के बाद आई मेकअप पे हम जाएंगे। पड़ेगा सृष्टि, आपको पक्की कलाकार हो आप। लोगों को पेंटिंग करते हुए देखा था अपनी उंगलियों से, लेकिन आपने तो इनका इस्तेमाल अपने मेकअप करने में लगा दिया। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। ओके, तो मैं हाथों से जितना कुछ कर सकती थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो अब मुझे अपना लाइनर करना है, ब्रश ऑन करना है, लिपस्टिक करना है, तो उसके लिए मुझे ब्रशेज यूज करनी ही पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय लाइनर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। हम लोग यहाँ पे सेट पर सारे मेकअप दादा नाम इसको जादू की चप्पी बोलते हैं।
ये बॉबी ब्राउन का ये लास्ट में गिव्स अ लिटिल नाइस शिमर काइंड ऑफ अ लुक ऑन द फेस. तो इसे हम जादू की छपी बोलते हैं बिकॉज ये लास्ट में एकदम अच्छा फिनिश देता है, तो इसीलिए. ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और मैं पिया बन चुकी हूँ. और बहुत ही कैजुअल सा लुक है मेरा, एक कुर्ता टाइप का मैंने टॉप पहना हुआ है विथ 3/4 एंड इट्स प्रीटी कूल. ज़्यादा मेकअप भी मैंने नॉर्मल ही किया हुआ है. वेरी यंग इयर रिंग्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वेरी यूथ काइंड ऑफ इयर रिंग्स, वेरी यंग इयर रिंग्स एंड ये हाथ में जो मैंने पहना हुआ है. सो बेसिकली पिया एकदम कॉलेज टाइप का लुक है उसका, बट शी इज़ मैरिड. या सो आई लव इट बिकॉज बहुत मज़ा आता है ऐसा कुछ पहनने में. मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं शूट पर आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पर ही बैठी हूँ बिकॉज यहाँ की जो पूरी कास्ट है वो भी मेरी फैमिली जैसी है. तो सबके साथ शूट करने में, ऐसे ड्रेसअप होने में, और ऑफकोर्स कॉमेडी शो है तो जो लाइन्स होती है, जो स्क्रिप्ट होती है वो भी बहुत लाइट हार्टेड है, तो बहुत मज़ा आता है. सो या फाइनली आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टू पिया ऑफ चलती का नाम गाड़ी. मेकअप टिप्स, डोंट ओवर डू योर मेकअप. उतना ही मेकअप कीजिए जितना आपकी स्किन पे रिक्वायर्ड है. अगर आई थिंक पर्सनली मुझे बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं है. आप जब मुझे नॉर्मल लाइफ में देखोगे मुझे विदाउट मेकअप ही देखोगे. एंड दैट्स वाई आप अपनी स्किन को अच्छा हेल्दी रख पाओगे. रोज़ रोज़ मेकअप करने से स्किन बहुत ख़राब होती है, इसीलिए हम अपनी स्किन का एक्स्ट्रा केयर करते हैं. जब हम घर जाते हैं वी मेक इट अ पॉइंट, हम जितने भी थके हो, रात के कितने भी बज रहे हो, मेकअप निकाल कर सोइए. डू नॉट स्लीप विद मेकअप, इट विल रुइन योर स्किन. और ज़्यादा कुछ फेस पे अप्लाई मत कीजिए बस. हाँ आई थिंक मेकअप शुड ऑलवेज बी वेरी लाइट एंड ज़्यादा मेकअप नहीं होना चाहिए. अगर आप अपने लिप्स डार्क कर रहे हैं तो आपकी आईज़ लाइट होनी चाहिए, आई मेकअप ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और अगर आपका आई मेकअप डार्क है तो आपके लिप्स ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए, इनफैक्ट न्यूड होने चाहिए. सो आपको अपने मेकअप को बैलेंस करना आना चाहिए एंड आई थिंक एवरीबडी शुड बैलेंस देयर मेकअप सो दैट दे लुक गुड एंड प्रीटी. कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए आपको इनका ये सृष्टि से प्रिया का सफर कैसा लगा. नेहा सावल, कैमरामैन मंगेश, इंडिया फोरम्स, मुंबई. हाय दिस इज सृष्टि रोड एंड यू वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स. प्लीज सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप टीवी.